तो आ गया है हमारे पास एम आई ए थ्री का बॉक्स, जो कि काफ़ी लेट हुआ आने में। आप देख सकते हैं ए थ्री का बॉक्स है जो कि काफ़ी लेट हुआ आने में, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। तो आज हम इसकी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, और क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है क्या नहीं है वो भी इसके अंदर देखने वाले हैं आज। और काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि इसके कैमरा सैंपल्स भी कुछ देख लेंगे, कैसा इसके कैमरा सैंपल्स है, इसका बेंचमार्क स्कोर और इसकी बिल्ड क्वालिटी और बाकी सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है एम आई ए थ्री के बारे में तो ये वीडियो देखते रहना आप। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ प्रीत विश्वास और आप देख रहे हैं प्रीत स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बॉक्स, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सामने की तरफ एम आई की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर ए थ्री लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऊपर की बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर इंडियाज़ नंबर वन ब्रांड की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर उसका मेंशन किया है 4 GB और 64 GB लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसकी खास बात ये बताऊँ तो ये फ़ोन रेडमी का नहीं है, ये है एम आई का फ़ोन। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग भी दी गई है, ठीक है। तो ये है आगे की तरफ। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी सिंपल से आपको एम आई ए थ्री की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर एंड्रॉयड वन भी लिखा हुआ है। तो ये फ़ोन आता है एकदम प्योर एंड्रॉयड के साथ, जो कि लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है ओरियो का। इसमें एंड्रॉयड 9 का वर्ज़न देखने को मिल जाता है आपको। बात करें बैक की तो बैक में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके की फ़ीचर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा एंड बाकी सब इसको किया गया है यहाँ पर मेंशन। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको आगे और बैक में देखने को मिल जाती है। एंड इसमें दिया गया है 32 MP का सेल्फी कैमरा, ये भी मेंशन किया गया है पीछे की तरफ। और बात करें इसकी कनेक्टिविटी तो ये ड्यूल बोल्टी के सपोर्ट के साथ आता है। अब इस बॉक्स को करते हैं ओपन, ठीक है। तो ओपन करते हैं बॉक्स को हम। तो ये रहा बॉक्स, इसमें क्या है देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको सिम इजेक्टर टूल, और बात करें इसके यहाँ पर आपको कवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि सिलिकॉन कवर है, वाइट कलर का है। आई थिंक ये गंदा हो जाता है जल्दी से, तो ये आप दूसरा परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है, इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। और ये रहा हमारा मोबाइल, आप देख सकते हैं वाइट कलर का है, ठीक है। और भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें कॉन्टैक्ट मिलते हैं। तो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है एक चार्जर भी, जो कि सिंपल सा नॉर्मल सा चार्जर है, ये फास्ट चार्जर नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है, ठीक है। बात करें इसी केबल की तो केबल आपको देखने को मिल जाता है टाइप सी के साथ, ये फ़ोन आता है देख सकते हैं आप। आइए, और बॉक्स में कुछ नहीं, इसको रखते हैं साइड में। बात करें इस फ़ोन की, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, प्रीमियम लगता है, और जो फील देता है पकड़ने में वो भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को लगता है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो देखिए आप पीछे से देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, बैक काफ़ी ग्लॉसी है, एंड ये गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है ये फ़ोन, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है शाओमी की ब्रांडिंग, और यहाँ पर कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं। और ये फ़ोन कर लिया मैंने चालू, अब फ़ोन को कर लेते हैं बूट। मैंने बूट कर लिया फ़ोन को, तो इसका जो फर्स्ट इंटरफेस है और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। इसका इंटरफेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड का है, क्योंकि ये एंड्रॉयड वन के ऊपर आता है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉट बेयर देखने को नहीं मिलते आपको, तो अच्छा है ये। मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर भी कर दिया सेट, ठीक है। और ये कभी कभी पता नहीं काम क्यों नहीं करता है, तो ये हो चुका है बिल्कुल सेट। तो थोड़ा टाइम लगा लेता है फिंगरप्रिंट ओपन होने में, तो ठीक ठाक है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ठीक है ये फ़ोन, ठीक है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को लगती है। और ये मेरे पास वेरिएंट है वाइट कलर का, तो इट्स लुक्स नाइस, ठीक है। और यहाँ पर आप ग्रेडियंट देख सकते हैं, जो आपको रेनबो कलर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने को। तो इसको निकाल देते हैं हम, ओके। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये डिवाइस आपको, देखिए। तो फ़ोन को मैंने पूरा सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिंगरप्रिंट भी मैंने सेट कर दिया है इसमें, ये चलिए करके देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव इसका जो फिंगरप्रिंट्स है,
और फास्ट भी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और डिस्प्ले भी काफ़ी डिसेंट से देखने को मिल जाती है आपको। आप देख सकते हैं मैंने पूरा सेटअप कर लिया, इसमें व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर लिया है। और इसकी जो बताता हूँ मैं आपको, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम चलते इसके सेटिंग के सेक्शन में। आप देख सकते हैं डिवाइस नेम A3 लिखा हुआ है एंड ये और आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका मॉडल नेम, इसका डिवाइस नेम, ठीक है। और ये जो एंड्रॉयड वर्ज़न आता है ये 9 देखने को मिलता है आपको। इसमें सिक्योरिटी पेज दिया हुआ है 5 सितंबर 2019 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। तो यही चीज़ अच्छी है इस डिवाइस में कि ये डिवाइस आता है एंड्रॉयड 1 के साथ, जिसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज देखने को मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इस डिवाइस की। और इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, सिंपल UI दिया गया इसमें गूगल का, जो कि आता है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इंटरफेस दिया है बिल्कुल प्रीमियम सा लगता है देखने में। अब हम इसके बेंचमार्क स्कोर की बात कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं AnTuTu स्कोर देखते हैं इसका। Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. बेंचमार्क स्कोर निकल के आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बेंचमार्क स्कोर है लगभग 1,38,590 आया हुआ है इसका, जो कि डिसेंट सा स्कोर होता है, ठीक है। तो इस प्राइस रेंज में ये सही है, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है जो कि 4/64 GB वाला है वो वेरियंट पड़ता है आपको 13,000 रुपये का, ठीक है। और जो एक और वेरियंट आता है इसका वो आता है लगभग 16,000 रुपये का, मतलब 3,000 प्राइस ऊपर को आता है वो डिवाइस। तो ये जब 13,000 में लेते हैं अभी फ़ोन, तो काफ़ी डिसेंट सा फ़ोन है, क्योंकि इसमें देखने को मिल जाता है आपको एमोलेड स्क्रीन, सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है देखने को, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, इन डिस्प्ले सिंक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और एंड्रॉयड 1 के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरफेस होता है, ईजी टू यूज़ होता है। और आपको मैं इसके कैमरा सैम्पल्स भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप ये इसकी जो कैमरा फुटेज थी, कैमरा सैम्पल्स थे, ये रहे आपके वो कैमरा सैम्पल्स। काफ़ी डिसेंट सी फ़ोटो खींच देता है, क्योंकि इसमें जो सेंसर यूज़ किया गया है वो है सोनी का IMX586 वाला सेंसर यूज़ किया गया है, और जो दूसरा सेंसर है वो 8 MP का है, और जो तीसरा सेंसर है वो 2 MP का डेप्थ सेंसर है। तो मैं आपको सारी की सारी फ़ोटोज़ बता देता हूँ जो कि आप देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की, और एमोलेड स्क्रीन है तो इसका स्क्रीन टच भी करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी स्क्रीन की डिस्प्ले का चेक कर लेते हैं, कैसी वीडियो इसमें देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो चला लेता हूँ आपके लिए। Looking for a plate full of variety? We have it right here. Order and freshly prepared thalis on Swiggy. Order now.
वीडियो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इसमें, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपका एक्सपीरियंस मूवी देखने का और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। बात कर लेते हैं इसके साउंड की, जो कि मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा इसका साउंड सुन के, काफ़ी ज़्यादा लाउड देखने को मिल जाता है इसमें साउंड आपको। तो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ किस टाइप का है इसका साउंड। तो ये रहा इसका साउंड, आप सुन सकते हैं कितना ज़्यादा लाउड है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, तो आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। और बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी देखने को मिल जाती है, जो कि 4030 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी डिसेंट सी बैटरी बैकअप भी दे देता है ये फ़ोन। और एमोलेड स्क्रीन है, तो इसकी बैटरी बैकअप 20% एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो आप ले सकते हैं इस फ़ोन को, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको BBD आने ही वाला है, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा ऑफर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेस कर लीजिए, तो थोड़ा हमको भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, बाय बाय।